माय यूट्यूब चैनल वी आर इंग्लिश अकेडमी। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस को बदलना। यानी हम इसमें कुछ रूल्स डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। तो देखिए, यदि कुछ रूल्स हैं जिन्हें इंपॉर्टेंट है, पढ़ते चलिए। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट आर से आरंभ होता है, तो हाउ या व्हाट को हटाकर कर्ता से आरंभ करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। जैसे हाउ फियरफुल द स्नेक इज, सांप कितना भयानक है। तो सब्जेक्ट क्या हमारा? द स्नेक। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख लिया द स्नेक, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, फिर जो आपका एडजेक्टिव आया है फियरफुल, तो फियरफुल से पहले क्या लगा देंगे? वेरी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वेरी फियरफुल। द स्नेक इज वेरी फियरफुल, मतलब कहने का इतना है वो हाउ या वॉट को हटाकर हम क्या लगाएंगे? वेरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वेरी। देखिए, वॉट अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग द ताज इज, ताज कितनी सुंदर इमारत है। तो सब्जेक्ट क्या होगा? द ताज। तो सबसे पहले हमने द ताज लिख लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, इज ब्यूटीफुल क्या है, क्या लगाए? वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। आगे देखिए, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, तो कितना दुखी जीवन व्यतीत करता है। तो सब्जेक्ट क्या होगा? ही लीड्स ए वेरी अनहैप्पी लाइफ। व्हाट को कहा बदल दिया हमने? वेरी। और काय से पहले आया? एडजेक्टिव से पहले। इज इट क्लियर? आगे देखिए, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ, ओ, इफ, वुड आदि से प्रारंभ हुआ है, तो असर्टिव बनाते समय वाक्य में विश का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं? विश। देखिए, इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, काश मैं अपनी माँ को अब देख सकता। इफ ओनली को हटाकर क्या लगाएंगे? आई विश दैट। क्या लगाएंगे? आई विश दैट। दूसरा वाक्य जैसा है वैसा ही रहने देंगे, दैट आई कुड सी माई मदर नाउ। देखो, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वुड दैट दे सेफ, तो बुड आ रहा है, बुड की जगह क्या लगाएंगे? आई विश। क्या लगाएंगे? आई विश दैट। ये दैट है इसमें, तो दैट नहीं लगाएंगे, बाकी पूरा जैसा है वैसा ही रहने देंगे, दैट दे वर शेप। ओ दैट आई वर अ वर्ड, जब ओ दैट आता है तो ओ को कायम बदलते हैं, आई विश दैट आई वर अ वर्ड, मेरी इच्छा है काश मैं एक पक्षी होता। तो देखिए, रूल नंबर थ्री क्या कह रहा है? यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलास से प्रारंभ हो, तो असर्टिव सेंटेंस इट इज मैटर ऑफ सॉरो। क्या अलास आ रहा है, दुख आ रहा है, तो दुख के लिए क्या लगाएंगे? इट इज मैटर ऑफ सॉरो। हुर्रा आ रहा है, हुर्रा का मतलब क्या होता है? खुशी। जब हुर्रा से आरंभ होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे असर्टिव में? इट इज मैटर ऑफ जॉय। इट इज मैटर ऑफ जॉय, खुशी के लिए क्या है? यह खुशी का मामला है। और ब्रेवो से आरंभ हो, ब्रेवो क्या होता है आपको पता है? प्रशंसा। तो इसे असर्टिव में कायम बदल लेते हैं, इट इज मैटर ऑफ प्रेज। क्या? इट इज मैटर ऑफ प्रेज। ठीक है, तो देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे रखा है अलास सी डाइड सो यंग, तो अलास दुख के लिए क्या लगाते हैं? असर्टिव, इट इज मैटर ऑफ सॉरो। फिर क्या लगाएंगे? दैट। दूसरा वाक्य जैसा है वैसा ही लगा देंगे, दैट सी वॉज, सॉरी सी डाइड सो यंग। हुर्रा आ रहा है, हुर्रा क्या दिखाता है? खुशी दिखाता है। क्या दिखाता है? खुशी दिखाता है। तो खुशी के लिए क्या आ जाएगा? हुर्रा है,
तो इट इज मैटर ऑफ जॉय, फिर एक्सक्लेमेटरी का साइन हटा देंगे वहां के लगाएंगे दैट। दूसरा वाक्य जैसा है एक्सक्लेमेटरी के बाद वैसा का वैसा लिख देंगे, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ए ब्रेवो, यू हैव डन वेल, तो ब्रेवो का हमें चेंज कर देंगे। इट इज मैटर ऑफ प्रेज, एक्सक्लेमेटरी का साइन हटाएंगे उसे क्या लाएंगे दैट, जैसा इस एक्सक्लेमेटरी के साइन के बाद जो दे रखा है यू हैव डन वेल, तो वैसा का वैसा ही लिख देंगे यू हैव डन वेल। तो हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे, अब हम लोग इन्हीं रूल्सों की मदद से एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए चलिए भाई, ये हाउ लवली द रोज इज, हाउ लवली द रोज इज, एक सेकेंड रुकिए, हाउ लवली द रोज देखिए, हाउ लवली द रोज इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या द रोज, फिर हेल्पिंग वर्ब द रोज है कि इज, अब लवली हाउ को कायम बदलें वेरी बदलें, द रोज इज वेरी लवली, रोज इज वेरी लवली। अगला देखो, दूसरा है सेकंड वाला आंसर, अलास आ रहा है तो अलास आता है तो इसको हम कायम बदल दें, इट इज मैटर ऑफ, देख लो जब अलास आएगा तो हम उसको कायम चेंज करेंगे, अलास आता है तो उसको हम कायम बदल देते हैं, देखो हम उसको चेंज करते हैं, इट इज मैटर ऑफ सॉरो, कॉम इस इंटरजेक्शन साइन को हटाकर क्या लगा देते हैं दैट लगा देते हैं, देखो है ना, तो ऐसी प्रकार करेंगे। चलो देखो दूसरा, देखो अलास इज नो मोर, इट इज मैटर ऑफ सॉरो, फिर क्या लाएंगे दैट ही इज नो मोर, वो है खत्म हो गया है ना। दूसरा देखो, हाउ वार्म योर हैंड्स आर, तो ये हाउ से शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले योर हैंड्स आर सो वार्म, सॉरी आई अपोलोजाइज फॉर दिस, योर हैंड्स आर हाउ का मतलब वेरी में वेरी वॉर्म, योर हैंड्स आर वेरी वॉर्म। चौथा देखो, ब्रेवो यू स्पोक सो वेल, ब्रेवो है, ब्रेवो का अर्थ होता है खुशी, इट इज मैटर, इट इज मैटर ऑफ प्रेज, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट यू स्पोक सो वेल, यू स्पोक सो वेल, ठीक है। अगला देखो दोस्तों, फाइव, फाइव क्या कह रहा है,
वॉट आर डेंजरियस थिंग्स आर लिटिल नॉलेज, तो सब्जेक्ट क्या है, आर लिटिल नॉलेज। लिटिल नॉलेज, अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग्स। ठीक है, नंबर 6 लिखो। हाउ फाइंड द वेदर इज, द वेदर इज वेरी, बोल दिया वेरी में, वेरी फाइन, मौसम बहुत अच्छा है। 7 देखो, बुड दैट आई वर हैप्पी, तो जब बुड दैट से आरंभ हो, बुड से वो, इफ ओनली, बुड से तो क्या लगाएंगे, आई विश, आई विश दैट आई वर हैप्पी, काश मैं खुश होता, आई वर हैप्पी। हो गया, आगे देखिए, इसके बच्चे कुछ सेंटेंस करते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। देखिए, 7 तक हमने कर लिया, 8वां देखिए। वॉट अ ब्यूटिफुल द रोज इट इज, तो इट से शुरू होगा सब्जेक्ट, बनाएंगे वॉट से शुरू हो रहा है, तो इट इज, इट इज अ, वॉट को हटा देंगे, क्या लगाएंगे, वेरी, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल रोज। लिस्ट ऑफ द, दूसरा देखो, 9, इफ ओनली आई कुड सी माई होम अगेन, तो इफ ओनली शुरू हुआ तो आई विश आरंभ करेंगे, आई विश, फिर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, आई विश दैट। अब जो जैसा है आई कोड से वैसा का वैसा लिख देंगे, आई कोड पी माई ओ ये, दसवां करूं, अलास
माई फादर इज डेड, तो अलास आ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे? इट इज मैटर ऑफ सोरो, इट इज मैटर ऑफ सोरो, इट इज मैटर ऑफ सोरो दैट, इट इज मैटर ऑफ सोरो दैट माई फादर इज डेड, क्या रहा हूं देखो, इलेवन अलास है, इसको अलास को भी कह सकते, इट इज मैटर ऑफ सोरो, इट इज मैटर सॉरी, कोमा को उठाई गया इन दैट वी हैव लॉस्ट द बेल्ट, बारे में देखो कल क्या कहना है, हाउ नॉट टी यू आर, तो हाउ शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले यू आर, हाउ का एम्बल देते हैं वेरी में, यू आर वेरी टी, You are very naughty. 13 देखो, how beautiful the Taj is. इनको हटा देता हूँ, erase कर देता हूँ. थर्टीन देखो, हाउ ब्यूटिफुल द ताज इज, थर्टीन देखो, द ताज सब्जेक्ट है, द ताज इज वेरी, थर्टीन है, हाउ है मतलब वेरी, ताज इज वेरी ब्यूटिफुल, ताज इज वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है. 14 देखो, वाटरफॉल, इट इज अ ग्रेट फॉल या वेरी फॉल, है ग्रेट फॉल है ना, वेरी के यहां क्या लगा देंगे, ग्रेट लगा देंगे, क्यों पॉल फॉल क्या है, पतझड़ है, इट इज अ ग्रेट फॉल. 15 देखो, अलास, तो अलास का इट इज मैटर ऑफ, इट इज मैटर ऑफ सोरो, दैट आई एम गोइंग टू, पंद्रह देखो, ओ दैट शुरू हो तो आई विश दैट आई वर अ किंग, सेवनटीन देखो, आई गुड है ये भी कैसे हो जाएगा, आई विश I had not wasted my money.
अगला देखो 18 हो, ब्रेवो आ रहा है प्रशंसा, तो इट इज मैटर ऑफ, इतना 18 कर रहे हैं, इट इज मैटर ऑफ प्रेज। यू जैसा है वैसे लिख देंगे, यू हैव सिक्योर्ड, SECU सिक्योर्ड फर्स्ट पोजिशन। अगला देखो, ये 19 क्या कह रहा है, उदैट आ रहा है तो उदैट को आई विश मत लेंगे, आई विश दैट, बाकी बचा को जा सेम आई वर अ बर्ड। प्लीज ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, आई विश दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।